हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम OCM का चैप्टर नंबर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट करने वाले हैं, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी होती है। नो, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है? तो भैया एफ डब्ल्यू टेलर का मतलब होता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सर, इस इंसान ने अपने को साइंटिफिक थियोरी ऑफ मैनेजमेंट दिया। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर। सो टेलर इज नथिंग बट अपना कपड़े सिलने वाला नहीं, एफ डब्ल्यू टेलर, ये जो इंसान है। एफ डब्ल्यू टेलर वॉज अ थियोरिस्ट, वॉज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ मशीनिस्ट। मशीनिस्ट उन्होंने कहा किया था, मिडवेल में किया था ना, वहां पर वो मशीनिस्ट के तौर पर काम करते थे। उन्होंने धीरे धीरे करके उस कंपनी के अंदर बहुत चीफ इंजीनियर की पोजिशन हासिल की, और वहां पर उन्होंने सीखा कि भैया एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। और धीरे धीरे करके उन्होंने ये समझा कि मैनेजमेंट है ना, खाली एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं होता। मेरा इस वर्ड का ध्यान देना, मैनेजमेंट। टेलर क्या बोलते हैं, हेनरी फ्योल क्या बोलते थे कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पर होता है, रूल ऑफ थंब के बेसिस पर होता है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और आगे भी वैसा ही करो, क्योंकि इतने सालों से चल रहा है तो वो गलत थोड़ी होगा। हेनरी फोर ऐसा बोलते थे, पर एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज अगर बहुत सालों से चल रही है तो वो सही हो या तो फिर एकदम अक्यूरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर एक सुपरस्टिशन है कि भाई बिल्ली रास्ता काट लेती है तो क्या होता है, अशुभ होता है ना। इतने सालों से ये जो मान्यता है, ये जो बिलीफ है, वो चलता आ रहा है। बट क्या जरूरी है कि वो मान्यता, वो जो बिलीफ है, वो सही है? नहीं, हमको साइंटिफिकली सोचना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजिकल ईरा, डिजिटल ईरा चालू है, हमको साइंटिफिकली सोचना चाहिए कि भैया क्या सच में इससे कुछ अशुभ होता है या नहीं होता है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो उससे कुछ अशुभ होता नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन आवर स्किल्स एंड टैलेंट के अशुभ शुभ क्या होता है, ठीक है। तो सिमिलरली एफ डब्ल्यू टेलर भी बोलते हैं कि भैया जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी के अंदर कोई मैनेजर अगर बहुत सालों से काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे वाले मैनेजर को भी काम करना चाहिए। नहीं, आगे वाला मैनेजर अपना खुद का स्किल, अपना दिमाग लगा के साइंटिफिकली दिमाग से डिसीजन ले सकता है, ठीक है, और उस डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो एक मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर एक मैनेजर था। अब उसका उम्र काफी अच्छा खासा था, 40-50 की उम्र थी उनकी, तो उनका थिंकिंग भी ऑर्थोडॉक्स था, काफी पुराने जमाने का था। उनकी थिंकिंग थी कि मेरे कंपनी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ मेल वर्कर, सिर्फ आदमी काम करने चाहिए क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ऐसा वो सोचते थे। औरतों को काम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो आराम से काम करती है, जैसे आदमी जैसे फास्ट काम या मेहनत से काम नहीं कर पाएगी। अब उनकी थिंकिंग ऐसी थी, तो जब तक वो मैनेजर थे, वो क्या करते थे, ज्यादातर मेल कैंडिडेट्स को ही हायर करते थे अपने ऑफिस के अंदर, फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं हायर करते थे। अब वो रिटायर हो गए, उसके बाद एक नया मैनेजर बना। नो, नया मैनेजर के पास दो ऑप्शन है, या तो उसके पहले वाले मैनेजर की थिंकिंग के साथ वो आगे बढ़े और सिर्फ वो भी मेल कैंडिडेट्स को हायर करे, या तो फिर वो अपना दिमाग लगाए और साइंटिफिकली डिसीजन ले कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई मेल और फीमेल दोनों ही आ सकते हैं। मेल के पास जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी आजकल फीमेल के पास भी होती है कि नहीं? उल्टा, फीमेल के पास आजकल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। सो यहां पर दो अलग अलग थिंकिंग है। एक मैनेजर के पास ऑप्शन था कि वो जो अभी तक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के थ्रू जो एक्सपीरियंस के थ्रू चलता आ रहा है ऑफिस में, एक तो या तो उसी के थ्रू जा सकता था। वो मैनेजर भी वैसे वैसा सेम अप्लाई कर देता और बोलता वो इतने सालों से हो रहा है तो सही होगा, गलत थोड़ी होगा। मेरे बाद पहले जो मैनेजर था वो थोड़ी ना कुछ गलत करके गया, ऑफिस तो चल ही रहा था। या तो फिर वो मैनेजर अपनी खुद की थिंकिंग लगाएगा और साइंटिफिकली सोचेगा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू सोचेगा, ठीक है। सर, एफ डब्ल्यू टेलर यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं कि अगर कोई चीज बहुत सालों से चलती आ रही तो जरूरी नहीं कि वो सही हो, हमको खुद को अपना दिमाग लगा के साइंटिफिकली सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई वो सही है या गलत है, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन होता है तो। ओके, नाउ ही इंट्रोड्यूसेस ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा। ये कभी भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर या फिर किसी ने बोल दिया उसके बेसिस पर कभी भी ये डिसीजन नहीं लेते थे, ये अपना डेटा क्रिएट नहीं करते थे, ये खुद पहले उसको स्टडी करते थे, एनालाइज करते थे, देन ये अपना डेटा क्रिएट करते थे। किसी पे भरोसा नहीं करते थे, बस खुद की स्टडी पे भरोसा करते थे, एंड दैट इज ऑल करेक्ट ओनली, ठीक है। फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट माना जाता है। This theory involves the application of scientific approach to decision making and solving them at the same time. तो यहाँ पर आपको अगर किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी काम करना है, वो डिसीजन मेकिंग हो या तो फिर कोई भी नया प्लान फॉर्म करना हो या कुछ भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना हो, वो सब कुछ साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू ही होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। नाउ सर, हम एक आंसर पढ़ेंगे क्विकली, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर
बेसिकली एफ डब्ल्यू टेलर जो भी चीजें बताना चाहते हैं वो उन्होंने इन प्रिंसिपल्स के अंदर बता दिया। हमने इसके पहले हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसके अंदर हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ये बताए थे जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर था, जो कि सालों से चला आ रहा था, उसके बेसिस पर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे। इन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनाए गए, ठीक है। फर्स्ट वाला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सर साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का यही मतलब होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब है अंगूठा दिखाना सब जगह पे हाँ बोल देना। इसका मतलब है जैसा पहले चलता आ रहा था एक्सपीरियंस के बेसिस पर वही चीज चलाओ, दैट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ थंब। मतलब जो चीज चलती आ रही थी उसको बस ऐसा अंगूठा दिखाओ और आगे वो चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। एक्चुअली साइंस कभी भी रूल ऑफ थंब को नहीं मानता। साइंस ये नहीं मानता कि भाई जरूरी थोड़ी है कि भाई जो चालू से चला आ रहा है वो सही होगा। नहीं, साइंस कभी भी रूल ऑफ थंब पे नहीं चलता है, साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही चलता है। तो एफडब्ल्यू टेलर भी वही बोलता है कि आप साइंटिफिक अप्रोच डालो, रूल ऑफ थंब का अप्रोच मत लो। नेक्स्ट आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बेसिक चीज है जो कि हेनरी फ्यूल ने भी समझाने की कोशिश की है कुछ अलग तरीके से, इसने भी यही बताया। एफडब्ल्यू टेलर बताते हैं कि भाई हमको कंपनी के अंदर हमेशा मिल बांटकर यूनिटी के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जहां पर यूनिटी नहीं होगा भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा या टूटेगा तो कंपनी के अंदर ग्रोथ कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन। ना मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी मैनेजर की थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स रहेगी वो कभी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं कर पाएगा, नहीं करवा पाएगा। सिमिलरली अगर आपको मैनेजर के थ्रू काम कर रहे हो तो आपको अपनी जो थिंकिंग है वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक रखनी चाहिए। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है कि भाई कंपनी का आज तो क्या हो रहा है वो सबको पता है, बट फ्यूचर में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अगर वो मैनेजर को इनसाइट आ जाता है, वो मैनेजर को दिखाई देता है या फिर वो स्टडी कर सकता है तो वो मैनेजर बनने के लायक है। दैट इज कॉल्ड एज मेंटल रेवोल्यूशन, क्योंकि अगर आप फ्यूचरिस्टिक सोचोगे तभी तो आप उस प्लान तक पहुंचने की कोशिश करोगे, पर अगर आप सोचोगे नहीं, आपकी सोच ही छोटी होगी तो क्या आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। 12th में आपको 95% की सोच रखोगे तो 90 तक तो पहुंचोगे। वही चीज है यहाँ पे, ये फ्यूचरिस्टिक सोचोगे तो एग्जैक्ट टॉप पे नहीं पर उसके कहीं आसपास तो पहुंच जाओगे, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ ही तो हुआ, ठीक है। अब सर मेंटल रिवॉल्यूशन में एक और चीज आती है कि एक मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने इंप्लॉयज को क्या करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे नए नए आइडियाज के थ्रू। ऐसा नहीं कि भाई मैं मैनेजर हूं, जैसा मैंने बोल दिया वो सही चीज है बस खत्म, इसके आगे कुछ भी मैं किसी की सुनूंगा नहीं। नहीं नहीं, मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा अपने इंप्लॉयज का, अपने कलीग्स का, अपने को पार्टनर्स का हमेशा बात सुनना चाहिए, उनके आइडियाज लेने चाहिए, क्योंकि शायद उनके आइडिया की वजह से कंपनी को फायदा हो जाए। सो मैनेजर को सेल्फिश बन के खुद के बारे में नहीं बल्कि कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सिमिलरली ये पॉइंट हमने वहां पे भी पढ़ा था हेनरी फ्यूल की 14 प्रिंसिपल्स थियरी में कि भाई एक कंपनी में अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसको खुद के तरीके से नहीं सोचना चाहिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, क्योंकि हमको यू नो बाय फार लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को ग्रोथ करवाना है। कंपनी ग्रोथ करेगी तो इंडिविजुअल ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगा, बट अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में सोचोगे, कंपनी का ही तेल लगाना ऐसा सोचोगे तो सर आपका ग्रोथ कभी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी डूबेगी तो आप भी डूबोगे ना, आप वो कंपनी का पार्ट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर डिवीजन ऑफ लेबर बोलो या डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, एक ही बात है, काम हमेशा बांट के करना चाहिए तो उससे काम फटाफट होता है, काम की स्पीड तो बढ़ती है साथ में साथ काम की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। जो काम जिस इंसान को जिस व्यक्ति को जिस टाइम पर दिया जाए अगर वो अपना काम टाइम टू टाइम कर दे और उसको लिमिटेड काम दिया जाए उसके टैलेंट के हिसाब से तो काम एक्यूरेसी के साथ स्पीड के साथ प्रॉपर होता है और पूरा कंपनी का काम जब प्रॉपर होगा रिजल्ट्स प्रॉपर आएंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब देखो सीधी वाली बात है, एम्प्लॉयर का डेवलपमेंट कब होगा? जब वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से रखेगा। अब एम्प्लॉयज का बेसिकली प्रॉस्पेरिटी कब होगा, एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलेगी, यू नो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलेंगे, उनको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, एनवायरमेंट यू नो वर्क फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें बिना डर के काम होना चाहिए, बिना प्रेशर के काम होना चाहिए। अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर किसी कंपनी के अंदर है तो एम्प्लॉय फ्रीली काम करेगा, अपने दिमाग को ब्रॉडली चला के कोशिश करेगा, इनोवेशन करने की कोशिश करेगा। तो सिमिलरली अगर कंपनी उसको बरोबर रखेगी
तब जाके कंपनी खुद भी ग्रोथ कर पाएगी। ये अगर एफिशिएंसी दोनों की बढ़ गई, कंपनी ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी, एक आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे छठवें सातवें आसमान पर ऐसे ही पहुंच जाएगी और फटाफट ग्रोथ होगा। तो इसी के साथ हमारा फ्रेडरिक विंसलो टेलर का थियरी खत्म होता है, साइंटिफिक थियरी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लगा या लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, हमको पता चले आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।